अभी आप यहाँ देखिएगा, मैं जैसे एंटर मारूंगा देखिए क्या होता है, ये देखिए। ठीक है, हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ऑलमोस्ट जो है वो उस पर बीट पे आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं, देखिए वो परफेक्टली मैच हो गया है ना, बिल्कुल परफेक्टली मैच हो चुकी है हमारा ये लूप। ओके सो अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो एक और चीज़ इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। वो क्या क्लियर होगी, अभी मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी, ठीक है। क्यों फेस करी, क्योंकि जब मैं इस सैम्पल को ड्रैग करा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर BPM आया ही नहीं, यानी कि ये सॉफ्टवेयर ने उस टाइम उस पर्टिकुलर जो सैम्पल है लूप है उसका BPM डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नमस्ते मैं हूं नूबड़ा प्रोड्यूसर, और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि कोई भी जो हमारे सैंपल्स हैं या लूप्स हैं या ऐसे कुछ ऑलरेडी रिकॉर्डेड साउंड है या कोई बीट है जो हम हमारे जो ट्रैक है उससे मैच करना चाहते हैं, या जो ट्रैक की जो BPM है या ट्रैक का जो टेम्पो है उससे मैच करना चाहते हैं, तो सबसे ईजीएस्ट वे क्या हो सकता है, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके लंबे हैं, कुछ तरीके छोटे हैं, पर मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत आसानी से सिखा पाऊँ। ये हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने ये कमेंट किया था कि जो भी हम लूप्स पिकअप या ब्रेक होते हैं या जो भी हो किसी भी BPM में हम कैसे सेट कर सकते हैं, है ना। और एक और चीज़ उन्होंने पूछी थी, क्या तबला ढोलक लूप का ओरिजिनल साउंड डैमेज नहीं होगा अगर हम किसी BPM में सेट करेंगे तो। ओके सो देखो मैंने उनको इस बारे में रिप्लाई भी दिया था पहले कि थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, वो डैमेज किस सेंस में होगा। देखिए एक नेचुरली आपने किसी BPM के अंदर कोई चीज़ रिकॉर्ड करी है, अब जब उसकी BPM के साथ आप छेड़खानी करेंगे, यानी कि या तो हम उसको थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं या थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं, तो जो उसके डायनेमिक्स हैं वो भी थोड़े से आगे पीछे होंगे। आगे पीछे होने का मतलब जो उनका BPM है वो आगे पीछे होगा, तो उसमें क्या होगा अगर हम स्लो करेंगे तो आप देखेंगे जो उसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा भारी या खराश वाला हो जाएगा, आप देखेंगे, है ना। और अगर आप उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा जो है वो जो अपने आपने देखा होगा कभी हम ऑडियो रिकॉर्डिंग हम जब उसको फास्ट करके चलाते हैं तो वो चिपमंक का साउंड करता है ना, जो चिपमंक वॉइस जो होती है ना, बच्चों जैसी आवाज़ हो जाती है बिल्कुल पतली सी, जो अक्सर कार्टून में आपने देखा होगा गिलहरी के लिए यूज़ की जाती है जो वॉइस है ना, तो उस तरीके की वॉइस वो थोड़ा सा होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज आता है, लेकिन आप अच्छे से उसको अगर EQ करेंगे, वो करने के बाद में जब टेम्पो में सेट करने के बाद में आप EQ कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम सिर्फ EQ जो है ना, जो पैरामेटिक EQ यूज़ करते हैं या प्रो EQ 3 हम यूज़ करते हैं या कोई सा भी जो हम म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर हम EQ के लिए जो भी प्लगइन यूज़ करते हैं, तो EQ सिर्फ हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं कि हम लो फ्रिक्वेंसी काटनी है हाई फ्रिक्वेंसी काटनी है, नहीं, जबकि EQ इसके लिए भी यूज़ किया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर टोन को क्या शेप देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा, इस पे भी एक लेक्चर बन सकता है EQ के ऊपर, ठीक है। तो जब आपने कोई सैंपल के BPM के साथ छेड़खानी करी है, आपके ट्रैक के हिसाब से उसको सेट किया है, उसके बाद उसको अच्छे से EQ करिए, फिर से कोशिश कीजिए कि जो उसका टेक्सचर है ना वो हम टोन शेपिंग के द्वारा हम उसको वापस लेकर आ सके, तो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, वो हम इस प्रैक्टिकल में भी आगे देख लेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल्स ले लिए हैं, मैं एक सैंपल आपको सुनाता हूँ। ओके दूसरा एक सैंपल सुनिए, बहुत ही लंबा फिलर है ये, ये आप सुनिए। ये सुनिए, ठीक है, ये सबसे कॉमन जो हमारा एक पैटर्न जो होता है जो हम
डीजे सॉन्ग बनाते समय, खासकर राजस्थानी हरियाणवी डीजे सॉन्ग जब बनाते हैं तब हम ये यूज़ करते ही करते हैं। ओके सो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहले आपको जो भी सैंपल आपके उसमें टेम्पो में या बीपीएम में सेट करना उसको ले लेना है। हम यहाँ से वॉल्यूम रिड्यूस कर लेंगे, वॉल्यूम रिड्यूस क्यों कर लेंगे, हमको हमारा जो प्रेजेंट जो ट्रैक है जिसकी बीपीएम हमने सेट की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 100 पे सेट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 पे सेट है, हमको बाकी सारे जितने भी सैंपल्स हैं उनकी ज़्यादा कम हो सकती है, हम चाहते हैं कि हमारे 100 के इसमें ही ये प्ले हो। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले तो वॉल्यूम रिड्यूस कर ली, क्यों, क्योंकि हमको सुनना है मेट्रोनोम। अब मेट्रोनोम क्या है, जो हमारे ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टाइमिंग को काउंट करने के लिए काम में आता है ना, जिसकी आवाज़ टिक टिक की तरह होती है, ठीक है। तो ये मेट्रोनोम सिस्टम मार्केट में भी मिलता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, मैनुअल मिल जाएगा, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़्यादातर सभी जो म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले एप्लीकेशन हो, चाहे आपके मिक्सिंग मास्टरिंग वाले या म्यूज़िक प्रोडक्शन वाले डॉ सॉफ्टवेयर हो, सबके अंदर ये मेट्रोनोम आता ही आता है, ठीक है। तो चलो, तो हमने वॉल्यूम इसलिए रिड्यूस किए ताकि हमको मेट्रोनोम भी सुनाई दे, ठीक है। तो अभी आप सुनेंगे ध्यान से, तो वो मेट्रोनोम में जो टाइमिंग है उसकी, जो टाइमिंग में हमारा जो फिलर है नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, देख के पता चल जाता है कि वो टाइमिंग में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप देखिए ये कहाँ पर आ रही है, जबकि हमारी एक बार जो है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर ये देखिए टाइमिंग पे प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये देखिए यहाँ से फिर यहाँ स्टार्ट हो रही है, सेम इस वाले में आप देखिए ये भी यहाँ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये तो बीच में स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये लूप, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का है। चलिए ओके, तो अब बात क्या आती है कि आपको इसके लिए लगेगा एक सॉफ्टवेयर, यहाँ पर मैं वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा मोबाइल के लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, मोबाइल में भी आती है एंड्रॉयड के अंदर, इस फिलहाल मेरे को याद नहीं आ रही है, एक मिनट मैं मेरे मोबाइल में खोल के मैं आपको देखता हूँ अगर मेरे पास में है तो। Two hours later. आपको मोबाइल के अंदर भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी मिल जाएगी जिसके अंदर आप अपने ट्रैक को लोड करेंगे तो उसका एग्जैक्ट बीपीएम बता देगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें हमारे वर्चुअल डीजे जो है ये आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, एक पेड सॉफ्टवेयर है, 14 दिन के ट्रायल के लिए आपको मिलेगा, तो मैंने आपको सिखाने के लिए इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो पहला जो सैम्पल है वो है स्नेयर का, तो जहाँ भी आपका स्नेयर सैंपल या जो भी आपका जो सैंपल है, लूप है, जो भी है, उसको आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ के लाना है और यहाँ पर ड्रैग कर लेना है। अभी ड्रैग करते ही आपको देखो यहाँ बता देगा इसका बीपीएम कितना है, ये जो बीपीएम है ये है 130.01, तो 01 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मान के चलते 130, ठीक है। अब हम इस पर आ गए, यहाँ आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद में टाइम पे आना है, मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, टाइम पे आना है, राइट क्लिक करना है माउस का ऑटो डिटेक्ट, यहाँ पर आपको आना है बीपीएम, और यहाँ हम कितना डालेंगे, 130, जो कि हमने वर्चुअल डीजे में देखा था। देखिए जैसा आपने एंटर मारा ना, आप वो देखिए स्ट्रेच होके यहाँ आ गया है, ठीक है। अब हम एक बार सुनते हैं, है ना, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो फिट हो चुका है हमारे टेम्पो के ऊपर, आप सुनिए। ठीक है, और हो सकता है कुछ सैंपल में आगे कुछ एक्स्ट्रा हो, जैसे देखो इस वाले सैंपल में यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एक्स्ट्रा है ये हमारा, तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमको हमारे सैंपल को भी थोड़ा सा आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, कि हम उसको थोड़ा सा मार्कर ऑप्शन सेलेक्ट कर लो और ऐसे यहाँ पर मैच कर लेना, ठीक है। वो थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, 19:20 होगा तो वो हमको उसको सेट करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब हम इसको करते हैं, है ना, इसको एक बार सुनते हैं हम,
तो ये तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, डबल क्लिक करेंगे। ओके सॉरी, हाँ इसको बीपीएम चेक करना है पहले ना, तो हम बीपीएम चेक करेंगे। इसका नाम क्या है सैंपल का, अपलिफ्टर। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अपलिफ्टर रोल कहाँ है, यहाँ है। हम इसमें ले गए वर्चुअल डीजे में, यहाँ ले जाके हमने ड्रैग किया 132, यहाँ पर बता रहा है। तो हम यहाँ पर आ गए टाइम जोन पे, ऑटो डिटेक्ट पे जाएंगे और टाइप इन बीपीएम में। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद ही ने 132 ही ले लिया है, एंटर मार देते हैं हम। ठीक है अब हम सुनते हैं, आप देखेंगे वो स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है एग्जैक्ट वो हो चुका है। अभी हम फ़िलहाल इसको उठा लेते हैं, पहले हम सेट करेंगे उसके हिसाब से हम इसको वो करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट हमारा सैंपल लेते हैं। ठीक है तो मिस मैच है ये, है ना। चलो हम इसको भी लेते हैं, यहाँ जाएंगे 85 दिखा रहा है यहाँ पर। चलिए डबल क्लिक करेंगे, टाइम पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑटो डिटेक्ट पे जाएंगे हम, टाइप इन बीपीएम, ऑटोमेटिकली इसने 85 ले लिया है। चलो हम एंटर मारा, अब एंटर मारते आप देखिए पहले, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है अभी देखिए आप सैंपल देखिए, ये हमारे एक उसके बाहर जा रहा है, 5 to 6 है ना, इसके बाहर जा रहा है ये चीज़। लेकिन जैसे ही हमने उसको सेट किया बीपीएम में, वो देखो रेंज में आ गया। अब हम सुनते क्या हुआ है। ठीक है अब हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे और थोड़ा सा इसको पहले ही हम आगे से कट कर लेते हैं, तो हमको सेट करने में आसान रहेगा। इसको भी थोड़ा सा पीछे से कट कर लेता हूँ मैं। ठीक है ये जो आगे का एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको निकालना थोड़ा सा ज़रूरी है, कई बार हम भूल जाते हैं और वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए अब हम सुनते हैं। कितना परफेक्टली वो मैच हो गया है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी होगी, अब क्या हुआ है वो देखो थोड़ा सा श्रिंक हो गया, यानी कि जो टाइमिंग है ना इसकी ज़्यादा थी, लेकिन उसको बार में सेट करने के लिए इसने अपने आप को श्रिंक कर लिया है, सिकुड़ लिया है, तो उससे क्या हुआ थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज जरूर हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता ही आता है। ठीक है अब हम ये देखते हैं, है ना, आप इसमें भी देखिए। यहाँ पर ये लास्ट में देखिए इतना ही सैंपल है ये, है ना। चलिए हम इसको भी पहले हटा लेते हैं, ये सैंपल कौन सा है। ओके सो हम ये वाला सैंपल को यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। ओके सो अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो एक और चीज़ इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी, वो क्या क्लियर होगी, अभी मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी। ठीक है क्यों फेस करी, क्योंकि जब मैं इस सैंपल को ड्रैग करा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर बीपीएम आया ही नहीं, यानी कि ये सॉफ्टवेयर ने उस टाइम उस पर्टिकुलर जो सैंपल है लूप है उसका बीपीएम डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, है ना। और अच्छा हुआ देखो ये अभी हो गया मेरे साथ में, तो मैं आपको लाइव ही अभी बता दूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, अदरवाइज़ क्या होता है बाई चांस आप जब ये ट्राई कर रहे होते तब आपके साथ में प्रॉब्लम होती तब फंस जाते हैं। अब हमें करना क्या है, हम 2-3 बार इस सैंपल को सुनेंगे, पहले देखिए
अब हम क्या करेंगे, मन में जो है इसकी बीट जो है वो चल रही है उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो जब ये बीट चल रही होगी तब हम इस टैब बटन को दबाएंगे, कैसे देखो सुनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब हम दबाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। जैसे हम दबाएंगे तो जो टेम्पो है या जो इसका जो बीपीएम है ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। देखो मैं एक बार आपको करके बताता हूँ, देखिए अभी क्या है, 348 है ना, 1 2 3 4, ओके। प्ले करते हैं, हमको दबाना चालू करना है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 135 यहाँ पर आ गया है, पहले क्या था 136 था, यानी कि सिमिलर आपका जो है 19-20 आ जाएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा अगर बाय चांस आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जबकि ये आपका टेम्पो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा या गलत टेम्पो डिटेक्ट कर रहा है। अभी हम क्या राउंड फिगर में इसको 135 लेके चलते हैं, ठीक है, ओके। डबल क्लिक करेंगे, टाइम पे आएंगे, ऑटो डिटेक्ट पे जाएंगे, टाइप इन बीपीएम 135। अभी आप यहाँ देखिएगा, मैं जैसे एंटर मारूंगा देखिए क्या होता है, ये देखिए, ठीक है। हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ऑलमोस्ट जो है वो उस पर बीट पे आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं, देखिए वो परफेक्टली मैच हो गया है ना, बिल्कुल परफेक्टली मैच हो चुकी है हमारा ये लूप। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर थोड़े से ऐसे ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा लंबा करने के लिए। चलिए अब हम सुनते हैं एक बार, तो एग्जैक्ट हमारा जो बीपीएम जो चल रहा है यहाँ पर, जो टिक टिक चल रही है, मेट्रोनोम चल रहा है, उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेट हो गया है वो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप चाहेंगे तो अपने जो भी लूप्स हैं उसको प्रोजेक्ट के साथ में आप मैच कर सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। और अगर हम यहाँ से इसके बढ़ाते हैं, देखिए हम 130 करते हैं, तो ये हमसे क्या पूछेगा, रीस्टेच ऑल चैनल नाउ, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। तो जैसे हम बीपीएम बढ़ाएंगे यहाँ से हमारा टेम्पो सेट करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। देखा सेट हो गया, चेंज हो गया, देखो। परफेक्ट, ये सुनते हैं। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया था वो चिंपमंक वाला थोड़ा सा साउंड हो गया है ना, ठीक है। इसमें मैं आपको एक जुगाड़ करके बताता हूँ, देखो कोशिश करता हूँ वो जुगाड़ करने की, अगर होती ही नहीं होती है। राइट क्लिक करेंगे, टाइम पे जाएंगे, ऑटो डिटेक्ट पे जाएंगे, और अभी हमारा पहला इसका कितना टेम्पो था, खैर मुझे याद नहीं है, चलो एक मिनट हम इस सैंपल का वापस टेम्पो निकालते हैं। मैं आपको जुगाड़ करके बता रहा हूँ, देखो सक्सेस होता ही नहीं होता है, हम देखते हैं ये सैंपल कहाँ गया, ये रहा, ठीक है 85 है ये ना, 85 है, ठीक है। यहाँ डबल क्लिक करते हैं फिर से, सॉरी डबल क्लिक करेंगे, टाइम पाएंगे, ऑटो डिटेक्ट में टाइप इन बीपीएम 85 है, एंटर मारते हैं, कुछ हुआ क्या, हम देखते हैं नहीं हुआ है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम 85 का आधा डालेंगे, एक बार हम आधा डाल के देखते हैं, ठीक है। तो 44 डालेंगे हम, 43, तो ये राउंड फिगर में 86 हो जाएगा, एंटर मार के देखते हैं कुछ हुआ क्या, ठीक है वो छोटा हो गया, यानी कि हमको डबल मारना है, 85 का डबल हमको करना है। तो देखिए क्या होगा, ऑटो डिटेक्ट में जाएंगे,
170 हो जाएगा, है ना, 85 का डबल, सॉरी, टाइप इन, वन सेवेंटी, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली वो मैच हो गया है, देखिए आप। जो आपका जो बीपीएम चल रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए, जो मेट्रोनोम चल रहा है उसको सुनिए। है ना, तो अगर आपको समझ में नहीं आया आप वो दोबारा से आप रिवाइंड करिए, रिवाइंड करके आप देखिए मैंने क्या करा, जो वो चिपमंग जैसा हो गया था वो एक पूरे बार में नहीं आ रहा था, वो बार से भी छोटा श्रिंक हो गया था। तो मैंने क्या करा, जो उसका बीपीएम था वो हमने डिटेक्ट किया, 85 था, 85 को हमने डबल करके डाल दिया, ठीक है, कैलकुलेटर से आप डबल कर लीजिएगा, डाल दीजिएगा, तो देखिए वो परफेक्टली मैच हो गया है। और ये तो है ही हमारा, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे मिल चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई कमेंट हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, कोशिश करूँगा आपकी वीडियो बनाने के लिए। तो होता क्या है, देखो मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, यूट्यूब से मेरी अर्निंग नहीं होती है क्योंकि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है, बहुत साल हो गए बनाए हुए, कभी डालता हूँ कभी वीडियो नहीं डालता हूँ। इस साल मैं चैनल पे कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, आपकी मुझे सहयोग की बिल्कुल ज़रूरत है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ओके, आपके बिना, व्यूअर्स के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना, यूट्यूबर कोई भी हो, व्यूअर्स के बिना कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे उसको कितनी ही नॉलेज हो। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अर्निंग का सोर्स जो है वो मेरा जॉब ही है, तो जॉब के बाद जो टाइम मिलता है बड़ी मुश्किल से देखो मैं टाइम निकाल के बनाता हूँ। तो सपोर्ट कीजिए मुझे, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और स्किप करके आप देखना चाहते हैं ज़रूर आप स्किप करके देखिए। मैं थोड़ा आराम से वीडियो देखो इसलिए बनाता हूँ, आराम से चीज़ें समझ में ज़्यादा आती है, जल्दी आती है और देर तक समझ में रहती है। मैं इन वीडियोस को शॉर्ट में भी बना सकता हूँ, और मैं जो पूरी रिकॉर्डिंग होती है उस रिकॉर्डिंग में काफ़ी पार्ट तो एडिट करके निकाल देता हूँ मैं और छोटा कर सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ जब आप वीडियो देखें ना, तो वीडियो देखने के बाद में बस आप सीधा करने लग जाएं, आपको दोबारा मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े, बस मैं ऐसा चाहता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से वीडियो बनाता हूँ। तो आप देखिए वीडियो को, और कोई भी आपके क्वेश्चन हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं टाइम निकाल के मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।